अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमें चाहिए हैं तिल। ये मैंने रोस्ट कर लिए थे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करने के, इनका कलर चेंज ज़्यादा हो जाए, डार्क लाइट कलर चेंज हो जाए और फिर इसकी खुशबू उठने लगे जब तक इसे रोस्ट करना है। और फिर इसको एक ब्लेंडर जार में हमने डाल देना है तिल। फिर उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर ऑलिव ऑयल और छोले और नमक, ये सब चीज़ें ऐड कर देनी है। बेसिकली हमस बनाने जो होता है वो चिक पीस से बनता है, छोलों से बनता है और उसमें ताहिनी पेस्ट चलता है। ताहिनी पेस्ट कहते हैं तिल के पेस्ट को, ठीक है। जो तिल का पेस्ट भी हम इसी तरीके से बनाते हैं यही इंग्रेडिएंट्स रख के, तो उसको ताहिनी कहते हैं। तो ताहिनी सॉस हमने यहाँ पे इसके साथ ही समझे हैं, हमने बना लिया, इसके अंदर तिल डाल दिया ताकि जो ताहिनी वाला फ्लेवर होता है वो सब एक साथ ही इसके अंदर ब्लेंड हो जाएगा। और ये देखें, थोड़े थोड़े करके मैं छोले डालती गई थी, आप सारे एक साथ भी डाल सकते हैं। और बेटर टेस्ट के लिए यहाँ पर मैं विनेगर थोड़ा सा यूज़ कर रही थी, मुझे ज़रा इसमें अच्छा लगता खटास वाला फ्लेवर। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप नहीं यूज़ करिएगा। वैसे बहुत सिंपल रेसिपी है, यही इसके चंद इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे ये बनता है। बस ऑलिव ऑयल आपने यूज़ करना है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और ये देखें, तैयार है हमारा मज़ेदार सा हमस, जिसको आप स्लाइस, बर्गर, पिटा ब्रेड किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो ये बहुत पसंद है पर्सनली, लेकिन आप लोग भी ट्राई करके ज़रूर मुझे बताइएगा कैसा बना। गार्निश करेंगे इसके ऊपर फ्रेश कोरिएंडर, ऑलिव ऑयल और पेपरिका पाउडर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।